अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लज्जत दिल्ली 6 लेकर आया है आपके लिए हरी मिर्च और हरे धनिया की चटनी की रेसिपी। ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, खाने के स्वाद को बढ़ा देती है। इसे जरूर ट्राई करिएगा और अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में डालकर हमें जरूर बताइएगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 5 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, 8 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं और इसे मैंने छील लिया है, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, 1/2 नमक मैंने स्वाद के अनुसार लिया है और उसी में से मैंने 1/2 काला नमक लिया है और 1/2 जो हम डेली यूज करते हैं खाना पकाने में वो नमक लिया है, 1/4 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, यहाँ आप जीरा सीड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 बड़ा नींबू का रस लिया है मैंने। सबसे पहले हम जार लेंगे, जार के अंदर हम 1-1 करके अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। यहाँ पानी बहुत कम डलेगा और मैंने बस 1 या 2 स्पून पानी लिया है, तो आप भी बस 1 या 2 स्पून से ज़्यादा पानी नहीं लेंगे। ये चटनी बहुत अच्छी बनती है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप शाम में पकौड़ों के साथ इसे खा सकते हैं या फिर आप सैंडविचेस बनाएं उसके साथ ट्राई कर सकते हैं, कटलेट्स के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। और इसी चटनी के साथ हम दूसरी चटनी कैसे बना सकते हैं, और वो दूसरी चटनी हम चिकन फ्राई के साथ खा सकते हैं और फिश फ्राई के साथ खा सकते हैं, आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी कि वो चटनी हम दूसरी इसी चटनी में से कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितना थोड़ा सा पानी लिया है, क्योंकि इसमें हमने नींबू का रस भी डाला है और हरे धनिया में से भी पानी निकलेगा, इसलिए हमें यहाँ पे पानी इस्तेमाल नहीं करना ज्यादा। चटनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं कितना फाइन पेस्ट बनाया है मैंने चटनी का, और कलर तो इसका लाजवाब ही है, आप इसे जरूर ट्राई करिए। अब हम एक ही चटनी में से दूसरी चटनी बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कटोरी दही ली है और इसके अंदर मैं 1/2 कटोरी हरी चटनी मिला दूंगी। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं बाहर जाकर आप चिकन फ्राई या फिश फ्राई खाते हैं तो उसके साथ आपको यही चटनी सर्व करते हैं। ये बहुत जायकेदार चटनी होती है, इसे चिकन फ्राई और फिश फ्राई दोनों का जायका बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल लज्जत दिल्ली 6 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।